फैजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव मृतक छात्रा वर्षा राठौर के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और कहा बीजेपी सरकार में आठवां पेपर लीक हुआ है। फिरोजाबाद के पूर्व सपा सांसद अक्षय यादव शहर के नई बस्ती इलाके पहुंचे, जहां मृतक छात्रा वर्षा राठौर के परिवार से मुलाकात की और छात्रा की मौत को लेकर गहरा दुख जताया। इस दौरान पूर्व सांसद अक्षय यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने से छात्रा दुखी हो गई थी, जिससे छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। बीजेपी की सरकार आई है, तब से अब तक आठवां पेपर है लीक होने का। सरकार नौकरी दे नहीं है, इस वजह से बेरोजगारी फैली है, छात्र परेशान है, सरकार दोषी है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। तो क्या इसमें अभी हम लोग वर्षा राठौर बच्ची है जिसने एआरओ का पुलिस भर्ती का पेपर दिया था, और जैसे ही एआरओ का पेपर कैंसिल हुआ उसने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद आत्महत्या कर ली। उसके परिवार से हम लोग मिले, सारे पार्टी के लोग, और संवेदना व्यक्त की है समाजवादी पार्टी और हम सब लोग परिवार के साथ हैं। क्या मानते हैं, हमेशा एग्जाम होते हैं और कई ऐसी घटनाएं आई हैं, इन घटनाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2000 जब से भाजपा की सरकार चल रही है तब से लगभग ये आठवां पेपर है जो लीक हुआ था, और ये नौकरी देने में फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से। नौजवानों में आक्रोश है, और ये बच्ची जिसके परिवार जनों से अभी हमारी बात हुई, इन्होंने बताया कि बच्ची बहुत होशियार थी, पढ़ने वाली थी, एआरओ का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इसने घर पर आकर आंसर भी चेक करे थे, तो उसको पूरा यकीन था कि मेरा इस बार सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसका दिल टूट गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। समझ रहा है, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों से जो निराश हो गए, हताश हो गए? देखिए बच्चों को हौसला रखना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हमको जरूरत पड़ेगी तो उम्र में जो छूट देनी होगी वो भी देने का काम करेंगे, समय आने पर सब नौजवानों को नौकरी देने का भी काम समाजवादी पार्टी करेगी। किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद की बातचीत हुई है? नहीं, अभी बात नहीं। परिवार को किस तरह से ढालस बताया आप? परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ में हम लोग।